हमारे साथ शासन को काट दिया, इसलिए हम आज प्राण प्रतिज्ञा करते हैं सभी नगर पार्षद की सरकार का पतन करना है, उखाड़ के जाना है। कोई नाली है, कोई पुल है, कुछ भी चीज है, कोई काम नहीं हो रहा है। दो साल से आज तक मैं वादा करता हूँ, मेरे वार्ड में 1 रुपए का काम हुआ होता। दो साल हो गए सरकार को बने, मैं बीजेपी का मेंबर था, मैं बीजेपी की सदस्यता रद्द करता हूँ। वैसे भी एक बात बताओ, चेयरमैन हो गया, विधायक हो गया, सीएम हो गया, ये तो अपने कमरे में बैठे रहते हैं, वोट तो पार्षद ले गया तब वार्ड से। कुत्ता मर गया पार्षद का फोन, बिल्ली मर गई पार्षद का फोन, और पार्षद जीरो कर दिए, तो सरासर बिल्कुल ही ये तो कहना बस जुमलेबाजी थी बस। हिसार के गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय में आज नगर निगम जो पार्षदों का जो एक सम्मेलन किया गया था, तो इसमें आप देख सकते काफी संख्या में पूरे प्रदेश भर से ये पार्षद पहुंचे और मुख्यमंत्री ने कई तरह की घोषणाएं भी की। तो ऐसे में हमारे साथ कई पार्षद हैं जो इनसे जानते हैं, तो आज जो मुख्यमंत्री का जो प्रोग्राम हुआ है तो इसको लेकर क्या कहेंगे आप? आज का प्रोग्राम हुआ इसको ये बिल्कुल ना खुश है, ये सिर्फ एक घोषणा था, ये सिर्फ एक घोषणा था। इन्होंने यहाँ पर बुलाकर लोगों के टाइम की बर्बादी की है और लोगों को परेशान किया है। जो मांगे हमने इनको लिख के दी थी, उनके बारे में तो बात ही नहीं की है इन्होंने। हमारा कोई ज्यादा वो नहीं था, हमने तो सिर्फ ये था कि हमारे तो 1 साल का हमारा सामान्य निजी पैसा देना चाहिए, जो वार्ड में हम जिससे कभी भी कोई समस्या आए तो हम अपने वार्ड में काम करवा सकते, उसके लिए बात ही नहीं की इन्होंने। क्या मांग करना हमारी कोई मांग पूरी नहीं की माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमें धोखे से एकत्रित करके हमारे साथ शासन धोखा किया, इसलिए हम आज प्राण प्रतिज्ञा करते हैं सभी नगर पार्षद की सरकार का पतन करना है, उखाड़ के जाना है। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहने जाऊंगी, मुख्यमंत्री तो कहते हैं कि आप सब मिलो, ताकि पुलिस पार्षद और ये गंदे लोग हैं, ये धक्के मार के लड़कियों को गिराने से। आप क्या कहना चाहेंगे? आज जो मैं तीसरी बार का पार्षद हूँ, सम्मान की तो पता नहीं, तो अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी किसी पार्षद से, ना तो हम जो जिन उम्मीदों पे हम लोग आए थे, किसी पार्षद की उम्मीदें पूरी नहीं हुई और हम लोगों को लॉलीपॉप और झुंझुने दे के बहका दिया। मांगे बना दिया, हमारी मांग मांगे, हमारी मांग भी पैर बस रही, बार बार उनको ग्रांट मिलनी चाहिए, उनको मानसमान भत्ते में बढ़ोतरी होनी चाहिए और क्या इनको मैं ये कहना चाहता हूँ, सबसे पहले जब हाउस की मीटिंग होती है, हाउस की मीटिंग में जो पास होते हैं बिल, वो काम होते नहीं, कोई जेई नहीं है, कोई एमए नहीं है, जब आप धरातल पे कोई कुछ कर ही नहीं सकता तो पार्षदों को गाड़ियां मिलती है कम से कम। आज आज जुमला था, दोस्ती किया, अपमान किया। आप क्या कहना चाहते, क्या क्या मांग रही थी? पार्षद सबसे छोटी इकाई होती है सरकार की, पार्षद सबसे छोटी इकाई होती है सरकार की, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम पार्षद को आती है काम कराने में। आज हम ये सोच के आए थे कि एक अच्छा मानदेय मिलेगा, एक अच्छी हमारे को पावर मिलेगी काम कराने की वार्ड में, लेकिन कोई भी ग्रांट नहीं दी गई, जो सोचते हैं वो काम नहीं हो पाया। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मांगे थी आपकी, क्या क्या पूरी हो? हमारी जो मांगे थी एक भी पूरी नहीं हुई, सिर्फ अपना पार्टी का उन्होंने चर्चा करी है, पार्षदों के बारे में कुछ नहीं सोचा। हमें यहाँ पे बुला के हमारा अपमान किया, कोई मान नहीं किया, कोई सम्मान नहीं किया। आप क्या कहना चाहेंगे? 6 महीने हो गए तनख्वाह बंद कर रही, काम हमारे पे ज्यादा है, हमारे को ना तो पेंशन ली जा रही है, ना हमारे को एक भत्ता मिल रहा है, ना भत्ता है, ना एक साल हम कैसे इनके लिए काम करेंगे, जनता हमारे पास रातों दिन हमारे पास खड़ी है, लेकिन ना कोई पेंशन यहाँ से अनाउंस करके गया, ना हमारी तनख्वाह मिल रही है, हम पार्षद किस बात के हैं? क्या मांगे जो जो मांगे थी वो मोटी मोटी पूरी कर दी रहे, कहा दिन में कल कहा पत्थर दे दो, और ये बात है ये कुछ सिखाए बुलाए लोग हैं जो नायब सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, ऐसे मुख्यमंत्री ने यहाँ बत्ता नारा दे दिया, मीटिंग का नारा दे दिया और बहुत अच्छी भाई साहब बना दिया। आज मैं मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के साथियों के साथ बहुत बड़ा माहौल किया है, उन्होंने हमारे साथ बहुत बड़ा माहौल किया, क्योंकि मुख्यमंत्री ने कहा था आने वाले समय में आपको बहुत कुछ मुख्यमंत्री जी देने वाले हैं, लेकिन कोई भी नहीं एक सिंगल घोषणा पार्षदों के हमने नहीं करी। मांगे आने से हमारी मांगे ये थी कि पार्षदों को वो पावर दे जो सरपंचों ने दी थी, पीछे 21 लाख रुपए सरपंचों को दिया काम करने के लिए, पार्षदों को कोई पैसा नहीं दिया काम करने के लिए।
इसलिए जो है ना हमारी ये मांगे थी कि पार्षदों का मानदेय भी बढ़ाया जाए। उन्होंने पीछे ना मानदेय बढ़ाया ना पार्षदों को कोई वो दी, उन्होंने क्या नाम अपनी निधि दी जिससे पार्षद काम करवा सके। सिर्फ इन्होंने लॉलीपॉप हाथ में पकड़ा दिया पार्षदों को, कह दिया कि कमेटी बनाओ पास करो और ये करो, और कुछ भी इन्होंने कुछ भी पहली बात तो पार्षदों को सारी पार्टी वाली छोड़ के अपनी यूनियन बनानी चाहिए हरियाणा के अंदर, पूर्व पार्षद और तब पार्षद हो, जब तक यूनियन नहीं होगी लड़ाई लड़ नहीं सकते। और सरपंचों को पावर दे दी, और इन्होंने जो सरपंचों को दे रखी है, और एमपी एमएलए अपनी पेंशन लेते हैं, सरपंचों की पेंशन है, पार्षद को विदेश से नहीं आ रहे, इनकी पूर्व पार्षद की पेंशन क्यों नहीं? तो आप कहाँ से हैं, आप क्या क्या मांगे जो पार्षदों की क्या क्या है और क्या क्या मांगे? वार्ड नंबर 23 से पार्षद हूँ। जैसा कि आप देखते हैं डीसी रेट के कर्मचारी को सरकार 18,000 रुपए देती है और पार्षद का मानदेय सिर्फ 12,000 रुपए, उससे क्या होगा? आपको पता है पार्षद सारा दिन पब्लिक के कामों के लिए इधर उधर भटकता है, तब भी उसके काम नहीं हो पाते। कोई नाली है, कोई पुल है, कुछ भी चीज है, कोई काम नहीं हो रहा है। 2 साल से आज तक मैं वादा करता हूँ मेरे वार्ड में 1 रुपए का काम होया हो तो। 2 साल हो गए सरकार को बने, मैं बीजेपी का मेंबर था, मैं बीजेपी की सदस्यता रद्द करता हूँ। क्या मांग करते हैं आप सरकार से, क्या क्या मांग? सरकार ने जैसे सरपंचों को वित्तीय पावर दी है, हमें भी देनी चाहिए, क्योंकि मैम छोटे छोटे काम होते हैं, पब्लिक किसके पास आएगी? हमारे पास आएगी, किसी और के पास थोड़ी ना जाएगी। पार्षद किस लिए बनाया पब्लिक ने? ताकि उनकी समस्या सुन सके। तो अगर हम अपनी मर्जी से छोटा सा काम पब्लिक का नहीं करा सकते तो क्या फायदा हमें ऐसी सरकार का? कोई फायदा नहीं। आप बताएगी आप क्या कहना चाह रहे हैं, पार्षदों की क्या क्या मांगे जो पूरी होनी चाहिए थी? देखिए हमारी जो सबसे मेन डिमांड थी वो थी सर अच्छी ग्रांट, कि जो भी पार्षद अपना इलेक्शन लड़के आया है, चेयरमैन का अपना इलेक्शन है, कोई भी गांव में जैसे सरपंचों को 21 लाख रुपए की पावर दी गई है, उसी तर्ज पर पार्षदों को भी पावर दी जाए। आज पार्षद इतने लाचार है कि अगर उनको अपने वार्ड में एक ब्लॉक भी लगवाना तो वो भी नहीं लगवा पा रहे, क्योंकि आप कुछ भी कुछ। आज हमारी जो मुख्य सबसे जो मेन मांग थी वो सरक्षित ग्रांट थी, कि अगर इन केस ऑफ इमरजेंसी में कोई भी काम करवाना पड़ता है तो पार्षद के पास एटलीस्ट इतनी फाइनेंशियल वित्तीय पावर हो कि वो जनता के लिए वो करवा सके। ये हमारी सबसे मेन मांग थी। मानदेय बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, ये बताए कि एक मानदेय की भी मांग थी और भी कई तरह की मानदेय की मांग थी जी। एक तो भाई मानदेय दिया जाए एक पार्षद को, और किसी भी वार्ड में काम कराने के लिए ना पार्षद को कम राशि देनी चाहिए, क्योंकि एक पार्षद ना मीटिंग कितनी होती है, 6 महीने में एक मीटिंग होती है, उसके बाद 4 से 8 तक लगी, कुछ भी काम नहीं होता। ये वार्ड में 2.5 साल हो गया अपने को, आज तक 1 रुपए की ईंट नहीं लगी। एक पार्षद अपनी सफाई कर्मचारी तो बदल नहीं सकता, है ये पावर देंगे बताओ। अच्छा आप कहाँ से आए, क्या नाम है? प्रदीप गोयल नाम है मेरा, मैं पार्षद हूँ। हमारी जो मुख्य मांग यही थी पार्षदों का भत्ता बढ़े ना बढ़े, मानदेय बढ़े ना बढ़े, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वार्ड में काम कराने के लिए पार्षदों के पास वित्तीय पावर जैसे सरपंचों को दी गई है वैसे वैसे ही नगर पालिका या नगर परिषद या नगर निगम के पार्षदों को भी स्वेच्छा से ज्यादा नहीं कुछ तो पावर अपने वार्ड में विकास कराने के लिए हो। उसकी आप क्या कहना चाहेंगे, आज आप कहाँ से आए हैं? मेरा नाम अजय शर्मा है, मैं करनाल से हूँ, निश्चिंग से नायब सैनी जी हमारे विधायक हैं मुख्यमंत्री जी। यहाँ पे आने के बिल्कुल ही हमारा मतलब हम एक उम्मीद से आए थे कि पार्षद साहब सीएम साहब हमारी सुनेंगे, उन्होंने कुछ नहीं सुना, बिल्कुल ही 0 लेवल पे पार्षद कर दिया। भाई साहब एक बात बताओ, चेयरमैन हो गया, विधायक हो गया, सीएम हो गया, ये तो अपने कमरे में बैठे रहते हैं, वोट तो पार्षद ले गया तब वार्ड से, कुत्ता मर गया पार्षद का फोन, बिल्ली मर गई पार्षद का फोन, और पार्षद 0 कर दिए, तो सरासर बिल्कुल ही ये तो कहना बस जुमलेबाजी थी बस। तो आप क्या कहना चाहेंगे, आज क्या क्या मांगे पूरी होनी चाहिए जी जो नहीं हुई? मांग आज हम सारे हरियाणा के हिसार में सभी पार्षद आए हैं, जो हम सोच के आए थे भी हमारे सीएम साहब और हमारे क्या मंत्री हैं जो सुधा साहब हैं भी, हमारे पार्षदों की जो मांगे उनको पूरा करेंगे। आज यहाँ देखा अभी कुछ इतना खास वो बात नहीं बनी है कि छेड़ पा दिए सभी पार्षदों में, सिर्फ पार्षद को उनके वार्ड की पावर दी जाए वही बहुत है, मानदेय ठीक है 1,000-2,000 जो जाना हो कोई बात नहीं, कम से कम साइन की पावर तो देनी चाहिए थी। इसमें तो सभी पार्षद और नाराज कर दिए हैं, सीएम साहब को सोचना चाहिए, और जो हमारे निकाय के हमारे मंत्री हैं वो सुधा साहब, उनको भी थोड़ा सोच समझना चाहिए, आगे इलेक्शन आ रहे हैं उसमें उनको भुगतना पड़ेगा। आप क्या कहना चाहेंगे, आज कहाँ कहाँ से लोग आए हैं, आप कहाँ से आए हैं, और क्या क्या मांगे पार्षदों की है और क्या क्या पूरी होनी चाहिए? मैं राजेश शर्मा गन्नौर नगर पालिका से, हमारे यहाँ गन्नौर नगर पालिका के अधिकतर पार्षद आए और पूरे हरियाणा से पार्षद आए हुए हैं। हम लोगों ने पहले ही एक मांग पत्र दिया हुआ था कि पार्षद को कुछ वार्ड में अपने लेवल पर काम करवाने के लिए कुछ पावर दी जाए, कुछ फंड्स दिए जाए। देखिए एक छोटी सी लाइट के लिए या कोई छोटी सी नाली के लिए एक
टेंडर लगवाना पड़ता है, चेयरमैन के पास जाना पड़ता है, जो कि हमारी सुनाई कहीं होती ही नहीं, चेयरमैन कहीं सुनता ही नहीं, अपनी मर्जी से काम करते हैं। हमने एक ये छोटी सी डिमांड रखी थी कि भाई वार्ड के लिए कोई लाख दो लाख पांच लाख कुछ भी हमें दिया जाए तुरंत, अगर हम कोई छोटा मोटा काम है, कोई छोटी नाई टूटी हुई है, कोई हमारा कोई जार टूटा हुआ है या कोई लाइट है उसको तुरंत हम लोग ठीक करवा सके। ऐसी हमें कुछ नहीं दिया गया, बिल्कुल जीरो। जो जो चीज अब इन्होंने हमें बताई है वो तो हम पहले से ही है, सफाई कर्मचारी है सारा दिन पार्षद उसके पीछे पीछे रहता है, इस गली में कर दो इसमें कर दो। दूसरा हमारे नगर पालिका में तो सफाई कर्मचारी की भी इतना टोटा है, इतनी कमी है सफाई कर्मचारी की, इतना बड़ा वार्ड होता है कि दो सफाई कर्मचारी हमें मिले हुए हैं। चलो आपकी मुख्य मांग क्या है? हमारी मुख्य मांग ये थी कि वार्ड के लिए हमें कुछ फंड दिया जाए जो हम अपने हिसाब से काम करवा सके। तो हमारे साथ और भी जुड़े हुए हैं, आप क्या कहना चाहेंगे, कहाँ से आए हैं और क्या आपकी मुख्य मांग है? मैं बहादुरगढ़ से अशोक शर्मा पार्षद हूँ। हमारी जो एसोसिएशन बनी हुई थी, मैं भी पार्टी से संबंध रखता हूँ, मैंने मुख्यमंत्री जी को भी 10 दिन पहले दे करके आया था और प्रभारी जी को भी, और अपने तरीके से जो पार्टी के पदाधिकारी थी सभी को मुख्य मांगी दी थी, लेकिन कुछ घोषणा हमारी रह गई है। तो आगे आने वाले समय में मैं तो यही कह रहा कि हमारे जो मुख्यमंत्री जी या हमारे स्थानीय निकाय के मंत्री जी हैं उन्होंने पार्षदों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि पार्षद ही एक ऐसी इकाई है जो भारतीय जनता पार्टी को जिताते हैं। गांव की नसीहत से हमेशा शहर में ही जीत मिलती है, तो मेरा आग्रह है कि अगर पार्टी पार्षदों की तरफ ध्यान देगी तो बहुत ही अच्छी जीत मिलेगी। और पार्षदों का जो अधिकार है, जो सरपंचों की तर्ज पर जो दी हुई है मंत्री जी ने, अगर भाई सरपंच अपने 21 लाख का कार्य करा सकते हैं तो पार्षदों का भी हक होना चाहिए। आप ये बताएं कि जो आज मुख्यमंत्री ने घोषणा की है इससे आप कितना संतुष्ट हैं, कितनी घोषणाओं से संतुष्ट है, नहीं है या नहीं है? देखो मुख्यमंत्री जी ने कुछ घोषणाएं तो अच्छी की है, ऐसा नहीं है, अगर भाई अच्छी की हुई है, लेकिन कुछ रह गई है, तो उनको हम यही प्रार्थना करते हैं कि भाई पार्टी के जो अच्छे ज्येष्ठ श्रेष्ठ कोई भी पार्टी से वो है मुख्यमंत्री जी है चाहे मंत्री जी, उन्होंने पार्षदों के हित की घोषणा करनी चाहिए, आगे और देनी चाहिए। तो ये थे तमाम लोग, इनका साफ तौर से यही कहना था, जैसे सरपंचों को पावर दी गई है कुछ ग्रांट को लेकर, ऐसे ही इन्हें ग्रांट दी जानी चाहिए और तमाम तरह की जो वेतन बढ़ोतरी है, ऐसे में कई तरह की जो अभी मांगे पूरी होनी चाहिए। वैसे मुख्यमंत्री ने अपने स्तर से काफ़ी घोषणाएं भी किए, पर आगे देखने, आगे इलेक्शन भी होगा, आगे किस तरह का इलेक्शन का रूप होगा। प्रवीण कुमार, हिसार।